अगर आप बैंक में फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी कराने की सोच रहे हैं तो ये आपके लिए बढ़िया मौका है। इस समय एफडी की ब्याज दरें पीक पर हैं। इस बात की पूरी संभावना है कि फरवरी की मौद्रिक समीक्षा से आरबीआई नीतिगत ब्याज दर यानी रेपो रेट में कटौती का सिलसिला शुरू कर दे। इससे डिपॉजिट पर भी ब्याज दरें घटनी शुरू हो जाएंगी। ऐसे में एफडी में निवेश करके लंबी अवधि तक ऊंचा रिटर्न कमाने का बढ़िया मौका है। देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने भी इसी तरह का अनुमान जारी किया है। एसबीआई के चेयरमैन सीएस शेट्टी का कहना है कि पिछले करीब 2 साल से जमा दरों में लगातार वृद्धि का रुख देखा गया है। बैंकों में कर्ज की मांग पूरा करने के लिए जमा दरों में आक्रामक तरीके से वृद्धि है। ये सिलसिला अब थमने वाला है। एफडी की ब्याज दरें अभी पीक पर हैं। आरबीआई फरवरी की मॉनेटरी पॉलिसी में पॉलिसी रेट में कटौती की राह पर बढ़ने लगेगा। इसके बाद एफडी की दरों में भी गिरावट का रुख हो सकता है। दरअसल आरबीआई ने अक्टूबर की मौद्रिक समीक्षा में लगातार 10वीं बार ब्याज दरों में कोई भी बदलाव नहीं किया। फरवरी 2023 के बाद से केंद्रीय बैंक की रेपो रेट 6.5% पर स्थिर बनी हुई है। एसबीआई के साथ ही बड़ी संख्या में एक्सपर्ट का मानना है कि केंद्रीय बैंक फरवरी 2025 से ब्याज दरों में कटौती का दौर शुरू कर सकते हैं। इससे एफडी की दरें भी नीचे आनी शुरू हो जाएंगी। ऐसे में अगर आपके पास सरप्लस फंड है और लंबी अवधि तक ऊंची ब्याज दरों का फायदा उठाना चाहते हैं तो एफडी में निवेश कर सकते हैं। कई बैंक एफडी पर सालाना 8% तक ब्याज ऑफर कर रहे हैं। कुछ छोटे बैंक तो इससे ज्यादा भी ब्याज दे रहे हैं। निजी क्षेत्र का एक्सिस बैंक 1 से 5 साल की एफडी पर 6.7 से 7.1% तक ब्याज दे रहा है। बंधन बैंक 1 साल की एफडी पर 8.05% और 3 साल की एफडी पर 7.25% ब्याज दे रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा 1 से 5 साल की एफडी पर 6.8 से 7.15% ब्याज ऑफर कर रहा है, जबकि विशेष एफडी पर 7.3% ब्याज है। एसबीआई 1 से 2 साल की एफडी पर 6.8% और 2 से 3 साल की एफडी पर 7% ब्याज दे रहा है। बैंक 5 से 10 साल की एफडी पर 6.5% ब्याज ऑफर कर रहे हैं। अगर स्पेशल एफडी की बात करें तो एसबीआई अपनी 400 दिन की एफडी अमृत कलश पर 7.10%, 444 दिन की विशेष एफडी अमृत वृष्टि पर आम लोगों को 7.25% ब्याज दे रहा है, जबकि सीनियर सिटीजन को 7.75% ब्याज ऑफर किया जा रहा है। स्मॉल फाइनेंस बैंक तो और भी ज्यादा ब्याज ऑफर कर रहे हैं। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक 1 से 3 साल की एफडी पर 8% से ज्यादा ब्याज दे रहा है। ये बैंक विशेष एफडी पर 8.25% रिटर्न ऑफर कर रहा है। नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक की 1 से 5 साल की एफडी की ब्याज दरें 6.25 से 9% के बीच में है। लगभग सभी बैंक सीनियर सिटीजन के लिए 0.5% तक ज्यादा ब्याज ऑफर कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि एफडी में निवेश का सही तरीका क्या है। फिलहाल देखें तो बैंक लंबी अवधि की एफडी पर कम और 1 से 2 साल की एफडी पर ज्यादा ब्याज ऑफर कर रहे हैं। सबसे पहले आपको अपना लक्ष्य देखना होगा। आपको भविष्य में पैसे की कब जरूरत पड़ सकती है। कई बार आपात स्थिति में एफडी को समय से पहले तोड़ना पड़ जाता है। इससे पेनाल्टी के रूप में नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए पूरी रकम की एक साथ एफडी कराने से बचें। उदाहरण के लिए अगर आप 1 लाख रुपए की एफडी कराने की सोच रहे हैं तो इसे 3 किस्तों में निवेश करें। इसके लिए 1, 3 और 5 साल का ऑप्शन चुन सकते हैं। इसका पहला फायदा तो ये होगा कि आपके निवेश पर ब्याज का एवरेज बन जाएगा। इस प्रोसेस का दूसरा बड़ा फायदा ये होगा कि आपके पास लिक्विडिटी यानी पैसे की उपलब्धता बनी रहेगी। इमरजेंसी आने पर आप कोई एक एफडी तोड़कर अपनी वित्तीय जरूरत पूरी कर सकते हैं। ऐसे में आपको पूरी एफडी नहीं तोड़नी पड़ेगी। जैसे जैसे आपकी एफडी मैच्योर होती जाए उसे फिर से रिन्यू कराते रहें। जिस तरह से अमेरिका और इंग्लैंड सहित दुनिया भर के केंद्रीय बैंक ब्याज दरों में कटौती कर रहे हैं, इस माहौल को देखते हुए इतना तय है कि भारत में भी ब्याज दरें घटने का सिलसिला जल्द शुरू होने वाला है। ऐसे में अगर आप एफडी कराने की सोच रहे हैं तो जल्द फैसला कर लें। अगर इस मामले में आपने लापरवाही की तो लंबी अवधि तक ऊंची ब्याज दरें पाने का बढ़िया मौका हाथ से निकल सकता है।